कहानी आज की। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप आज की? बच्चों, कहानी आज की में हम भोलू हाथी और कार की कहानी सुनेंगे। भोलू हाथी एक जंगल में रहता था। वह जंगल में नहीं रहना चाहता था। जंगल के पास से जो रास्ता गुजरता था उस पर वह सुंदर और चमकीली कारों को आते जाते देखता था। उसका बहुत मन करता था कि उसके पास भी एक कार होनी चाहिए। एक दिन वह जंगल के पास वाले रोड के पास एक जगह खड़ा था। तभी पास ही में एक कार आकर रुक जाती है। कार में दो लोग सवार थे। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी को खोलकर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाती। तभी उन्हें एक हाथी नजर आता है। वह उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन तभी भोलू हाथी उनके सामने आ जाता है और वह धीरे धीरे चलकर पूरी गाड़ी को चारों ओर से देखता है। वह उन दोनों को उसमें बैठने के लिए इशारा करता है। दोनों उस भोलू हाथी का इशारा समझकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद भोलू हाथी गाड़ी को अपने सूंड से धक्का देने लगता है। वह धीरे धीरे उन्हें जंगल से बाहर निकाल देता है। पास ही में गाड़ी ठीक करने की गैराज थी। दोनों उतरकर हाथी से कहते हैं, आपने हमारी बहुत मदद की, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपके लिए केले ला दें? यह सुनकर भोलू हाथी गाड़ी के चारों ओर घूमने लगता है और गाड़ी पर बार बार सूंड मारने लगता है। उन दोनों में एक सेठ जी थे और दूसरा उनका नौकर। सेठ जी कहते हैं, तुम्हें यह कार चाहिए? यह सुनकर भोलू हाथी हाँ में सूंड हिलाने लगता है। सेठ जी भोलू से कहते हैं, तुम जाओ, बहुत जल्दी हम यह गाड़ी तुम्हें देने आएंगे। भोलू हाथी मुड़कर वापस चला गया। सेठ जी का नौकर कहता है, ये क्या कर रहे हो सेठ जी, वो कौन सा हमें पकड़ लेगा, बेकार ही इतनी महंगी गाड़ी उसे दे रहे हैं। सेठ जी ने कहा, अगर वो चाहता तो हमसे ये गाड़ी छीन भी सकता था, लेकिन उसने हमारी मदद की। यह कहकर सेठ जी गैराज में चले जाते हैं। वहां के इंजीनियर को कुछ समझाते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भोलू हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। भोलू हाथी दौड़कर रोड पर आया तो देखा सेठ जी गाड़ी के साथ खड़े थे। उन्होंने गाड़ी को लंबा करा दिया था, बड़ा सा गेट लगवा दिया था जिससे भोलू उसमें चढ़ सके। आगे दो बड़े बड़े डिब्बे जैसे रबड़ के बटन लगा दिए। पैर से आगे पीछे करने से गाड़ी चलने लगती थी। ये कार के पैंडल थे। सेठ जी ने गेट खोला, भोलू उसमें जाकर बैठ गया। अब वह पैर आगे पीछे करने लगा जिससे गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है। भोलू को बहुत मजा आता है। वह गाड़ी को रोककर उससे नीचे उतरकर जमीन पर बैठकर सेठ जी के पैरों को सूंड से छूता है, जैसे सेठ जी को धन्यवाद दे रहा हो। सेठ जी उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वे कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इस तरह भोलू का कार चलाने का सपना पूरा हो जाता है। कहानी आज की में हम दोस्ती के अनमोल तोहफा का कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक नन्हा खरगोश रहता था जिसका नाम था चिंकू। चिंकू बहुत ही चंचल और प्यारा था, पर उसके पास कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर अकेला खेलता और उसे बहुत अकेलापन महसूस होता। एक दिन चिंकू जंगल में घूमने निकला।
वह इधर उधर उड़ता मस्ती करता जा रहा था कि अचानक उसे एक चींटी दिखी जो अपने से बड़ा अनाज का दाना उठा रही थी। चिंकू ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, तुम इतनी छोटी होकर इतना बड़ा दाना कैसे उठा रही हो? चींटी मुस्कुराई और बोली, हम चींटियाँ मेहनती होती हैं, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। चिंकू को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने चींटी से दोस्ती करने का फैसला किया। चींटी ने भी खुशी खुशी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब दोनों मिलकर खेलते और अपनी छोटी मोटी परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते। एक दिन जब चिंकू खाने की तलाश में जंगल में गया तो उसे एक तेज बहने वाली नदी मिली। नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं था। चिंकू बहुत परेशान हो गया। तभी उसकी दोस्त चींटी वहां आ गई। उसने चिंकू की परेशानी देखी और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सभी चींटी दोस्तों को बुलाती हूँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चींटी ने अपनी सारी चींटियों को बुलाया और सबने मिलकर एक लंबी कतार बनाई जिससे चिंकू आराम से नदी पार कर सका। चिंकू बहुत खुश हुआ और उसने चींटी को धन्यवाद दिया। उस दिन से चिंकू ने सीखा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। चिंकू और चींटी की दोस्ती दिन ब दिन और गहरी हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते। बच्चों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती हमेशा मदद और सहयोग से बनती है।